हम तीनों का गेम। मैम शायद हेलो स्टूडेंट्स, गुड वेलकम टू पहला लेक्चर। आफ्टरनून मैम, गुड गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू? आफ्टरनून मैम, हाउ आर आई यू? एम फाइन मैम, आई एम फाइन मैम, आई एम फाइन आई एम मैम, फाइन मैम। ओके स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज प्रोनाउन। जो अपना चैप्टर 6 है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या है, किसे कहते हैं? सर्वनाम। इसका हिंदी सर्वनाम को सर्वनाम। सर्वनाम क्या? सर्वनाम। सर्वनाम ओके, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रोनाम को। प्रोनाम को कहते किसे हैं, हिंदी में बता दो, सर्वनाम किसे कहते हैं? हिंदी में आती है ना आपको सर्वनाम की परिभाषा, तो हिंदी में आप बताओ सर्वनाम कहते किसे हैं? नो मैम, क्या होता है सर्वनाम? नो मैम, हमें नहीं आती। क्या कर रही है? नहीं पता? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे काम आए या फिर प्रयोग हो, जिस शब्द का संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो या फिर संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अंडरस्टैंड? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम, डेफिनेशन नाउन प्रोनाउन दोनों की डेफिनेशन लाइन होनी चाहिए सेंटेंस।
नंबर जेंडर जितने मैंने टॉपिक करवा दिए उन सबकी डेफिनेशन में कभी भी आस्क कर सकती हूँ आप लोगों से, तो आपको हमेशा लाइन रहनी चाहिए। इन प्लेस यस मैम नाउन, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? इज ए वर्ड, एक वर्ड है विच इज यूज्ड, जिसका यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पे होता है। कौन कौन से है प्रोनाउन? प्रोनाउन कौन कौन से है? ही, सी, इट, दे, देम, देम, ही, सी, इट, दे, देम, आई, मी, माई, अस, we, you, your, our, his, her, his नहीं दिख रहा होगा आपको, his, her, this, that, this, that, or these, those, what, who, etc. आदि और भी प्रोनाउन वर्ड है। अब प्रोनाउन कौन कौन से हो गए? ही, सी, इट, दे, देम, आई, मी, माई, अस, वी, यू, योर, अवर, हिज, हर, हिम, दिस, दैट, दीज, दोज, व्हाट, हू एंड इटीसी, ठीक है। अब ही का यूज बन जा पूरी स्टूडेंट, ही का ही का मीन क्या होता है और ही का यूज कब होता है ये बताओ आप। मैम ही का यूज इसके लिए होता है। ही का हिंदी मीन क्या होता है? वह वह मैम वह इसका यूज किसके लिए होता है? मैम वह इसके लिए किसके लिए होता है? मैम पुरुष के लिए, पुरुष के लिए, पुरुष के लिए। और he, जो फर्स्ट प्रोनाउन है ही का अर्थ होता है वह, ठीक है। किसके लिए? पुलिंग, पुलिंग और एक वचन, एक वचन सिंगुलर, पुलिंग मैल एंड सिंगुलर, मैल एंड सिंगुलर। ही का यूज किसके लिए होता है? मैल सिंगुलर, ओके। यस मैम। सी, सी क्या बोल रही थी कृतिका? क्या होता है? वह होता है शी, डोंट डिस्कस, मनीषा बात कर लेना यार, ये इश्यू और ये खाना कुछ ज्यादा ही बातें नहीं करती दोनों। सी वह जिसका हिंदी मीन होता है वह, और यूज किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए। और दीपिका मेरे को क्या बोल रही थी? एकवचन, एकवचन, एकवचन के लिए। इट, इट का हिंदी मीन क्या होता है? इट यह मनीषा दीदी, इसका यूज किसके लिए होता है? इशू, इट का यूज किसके लिए होता है? मैम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए। नो, रॉन्ग आंसर। यानी आपने जब सेकंड क्लास में पढ़ा तो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, या फिर आपको लाइन नहीं है, भूल गए?
इट का यूज होता है जानवरों, किसके लिए होता है? जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए। रितिका व्हाट इज प्रॉब्लम? ठीक है, अब ध्यान रहेगा इट का यूज कब होता है? यस मैम, इट का हिंदी में जानवरों पर निर्जीव वस्तुओं के स्थान पे इट का यूज होता है। ही का यूज कब होता है? पुलिंग के लिए और एकवचन के लिए। पुलिंग हो एकवचन हो तो ही का यूज होगा, सी एकवचन हो और स्त्रीलिंग हो तो सी का यूज होगा। इट इट जानवर हो या फिर निर्जीव वस्तुएं हो उनके लिए इट का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका दे। दे, दे, दे का हिंदी मीन होता है वे, बहुवचन के लिए, बहुवचन यानी बहुवचन, बहुवचन में मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं। फिर है देम, देम उनको, ठीक है, देम उनको, और इसका यूज भी प्लूरल में होता है। आई, आई का हिंदी मीन क्या होता है? मैं, आई को बोलो कि आवाज कम करे, ठीक है। फिर मी, मैं वैसे सबके एक लिखवा देती हूँ हिंदी में। मी, मी का हिंदी में क्या होगा? मी, मुझे, 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 मुझे। फिर माई, माई मेरा, मैं, मेरा, माई मेरा, मेरा, अस, 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 हमको, अस हमको क्या होगा? हमको, 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 बी, हम, 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 ठीक है, यू, तुम, 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 योर, तुम्हारा, 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 फिर अवर, अवर क्या होगा? हमारा, हमारा, फिर है हिज, हिज उसका, वो भी किसके लिए? पुलिंग के लिए, पुलिंग, पुलिंग, पुलिंग के लिए। हिज हर, हिज हर, हर का यूज उसकी, उसकी स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए होगा इसका। फिर है दिस, दिस का यूज बताया मैंने पहले आपको, दिस दैट का, दिस का यूज मैम, वह और वह, एक वचन सिंगुलर, एक वचन और पास के लिए, एक वचन और पास के लिए। दिस का यूज एक वचन और पास के लिए। स्टूडेंट मेरे को ये लग रहा है कि आप लोग क्लास नहीं ले रहे, आपका ध्यान और कहीं है। ये कृतिका क्या कर रही है? दैट वह दूर और एक वचन, हम एक वचन, दूर और एक वचन के लिए। एक वचन, तीज,
दीज का हिंदी मीन होता है ये, और पास और बहुवचन के लिए, पास और बहुवचन के लिए बहुवचन दोज पे मम दूर के लिए, दूर और बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपका है यस मैम। व्हाट क्या क्या? नो मैम। व्हाट का हिंदी मीन क्या होता है? क्या क्या होता है? क्या कारण जानने के लिए, कारण जानने के लिए। मम्मी पानी लेके आओ। नेक्स्ट आपका कौन? कौन करता जानने के लिए, करता जानने के लिए। फिर हूँ भी है ना, जितने हूँ किसे, ठीक है? Yes, ma'am. Students, ये जो pronoun word मैंने लिखवाए हैं वो हिंदी मीन के साथ लिखवाए कि आपको हिंदी मीन भी लर्न हो सके। ये pronoun word है, यानी ये pronoun word है, इनका यूज किसके लिए होता है वो भी मैंने बताया है। जैसे ही वह, जैसे राम लिखा हुआ है तो राम के लिए ही का यूज होगा। सी स्त्रीलिंग के लिए, इट जानवरों के लिए, दे बहुवचन के लिए, देम उनको बहुवचन के लिए, आई मैं, मी मुझे, माई मेरा, अस हमको, वी हम, यू तुम, योर तुम्हारा, अवर हमारा, हिजी हिजी उसका, हर उसकी, दिस वह, दैट दैट सॉरी दिस का यह होगा, दिस यह, दिस यह एक वचन और पास के लिए, दैट वह दूर और एक वचन के लिए, दीज यह पास के लिए, दोज हाँ यस स्पीक दोज वे दूर के लिए, ठीक है, दूर और बहुवचन के लिए। व्हाट क्या कारण जानने के लिए, हु कौन करता जानने के लिए, और हु मैम यस स्पीक मैम। अब मैं एग्जांपल करवाऊंगी, जल्दी से बोलो क्या बोल रहे हो, किसको कुछ बोलना है? मैम स्किन साफ नहीं आ रही। स्किन साफ नहीं आ रही, अब आ गई? Yes, ma'am, अब आ गई। ओके, किसी को कुछ पूछना है? Any question? No, ma'am. No, 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 ma'am. तो मैं कुछ एग्जाम्पल करवा रही हूँ, ठीक है, प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल करवा रही हूँ अभी। आपको यूज कैसे करना है वो बता रही हूँ। जैसे राम जी गुड बॉय, राम गुड बॉय है, स्टडी ही स्टडी, राम राम के लिए क्या आएगा, ही स्टडी, ही स्टडी दिल्ली, स्टडीज दिल्ली, ठीक है। यहाँ राम था इसलिए यहाँ किसका यूज हुआ, ही का। मैं राम था, राम पुलिंग है, और पुलिंग और एकवचन के लिए किसका यूज होता है, ही। सेकंड है आपका तेंदुलकर, तेंदुलकर
तेंदुलकर हैज ए बैट, हैज ए बैट, तेंदुलकर के पास एक बैट है। ए क्रिकेटर, क्रिकेटर आपको ऑप्शन दे रखा है, ही या फिर सी या फिर इट। तेंदुलकर, तेंदुलकर क्या है? लड़का है। बैट, ही इज क्रिकेटर। तेंदुलकर के लिए क्या आएगा? ही। ओके, यस मैम। ठीक है, यस मैम। थर्ड है मिसेज रीना, मिसेज रीना, मिसेज रीना इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, रीना डॉक्टर है। वर्क्स इन हॉस्पिटल, इसमें आपको दे रखा है किसका यूज होगा? सी, क्योंकि रीना क्या है? फीमेल, तो किसका यूज होगा? सी की। ओके मैम, यस मैम। नेक्स्ट है मैम, यस स्पीक, बोलो मैम। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, मौसम खराब हो रहा है, उस वजह से नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। लिखा हुआ तो दिख रहा है ना आपको? यस मैम। दिस इज ए कार, फिर ब्लैंक दे दिया आपको। दिस इज ए कार, इज येलो, ऑप्शन आपको दे दिया ही सी इट। अब मैम इट आएगा इसमें, इट आएगा मैम इट, क्योंकि कार क्या है? मैम निर्जीव वस्तु है, मैम निर्जीव वस्तु है, तो क्या आएगा? निर्जीव वस्तु। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके नेक्स्ट है रोहन, रोहन इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, फिर ब्लैंक है। हम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। गोज टू स्कूल दिल्ली, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, नहीं आ रही क्या आवाज? मैम आ रही, आ रही, आ गई मैम, आ रही। ठीक है, नो मैम। गोज टू स्कूल, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, अगर एक ही बच्चे के पास आवाज नहीं आ रही है तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। गोज टू स्कूल दिल्ली, अब बताओ इसमें किसका यूज होगा? मैम ही, ही सी मैम, यस मैम ही, ही मैम ही, मैम ही। ओके अब समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। कैसे होता है ही सी का यूज, समझ में आ गया ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलो एक और करवाती हूँ। I am going to Shimla. I am going to Shimla. मैं Shimla जा रही हूँ। With किसके साथ? Friend.
फ्रेंड मी या फिर मेरा, बताओ किस क्या आएगा? हिंदी में बताना आपको दोनों, हिंदी में जब मैंने लिखवाया था तो बताओ क्या किसका यूज होगा? क्योंकि माई का मीन मैंने बताया था मेरा और मी का मुझे, अगर मी का तो पता क्या हो जाएगा, मैं शिमला जा रहा हूँ मुझे फ्रेंड के साथ, मुझे फ्रेंड के साथ, ये कभी होता है कि सेंटेंस बनता है कि मुझे फ्रेंड के साथ? नो मैम, माई मेरा, माई फ्रेंड मेरे फ्रेंड के साथ मैं शिमला जा रहा हूँ। देखो भाई कहाँ ऊंचा होके जाएगा, अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, कल स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप्स करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ओके, यस मैम, बाय मैम, बाय मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम।